नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके पहले 3 लेक्चर पढ़ा दिए गए हैं, वो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही कंटिन्यू कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री इससे आसान आप नहीं पढ़ पाएंगे कहीं, बहुत ही सिंपल भाषा में पढ़ाया गया है। किसी भी बुक को आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी कहानी आधुनिक भारत के इतिहास की पूरी कहानी आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगी। बस आप देखते रहिए, नोट्स इसके बनाते रहिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए हमें, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो @श्रीएजुकेशन लिख के सर्च कर लीजिए। स्पेलिंग SHRIEDUCATION है, ये लिख के सर्च की लीजिए। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाएंगे हमसे, वहाँ पे और भी वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, PDF मिलते रहेंगे, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा 1717 में फारूक शियर से बहुत बड़ा फरमान मिल गया था अंग्रेज़ों को, टैक्स फ्री ट्रेडिंग का, दस्तक का जो अधिकार था वो कंपनी को मिल गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फारूक शियर से बहुत बड़ा फरमान मिला था। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा 1717 में फारूक शियर से बहुत बड़ा फरमान मिल गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। उस फरमान के तहत इन्हें फ्री ट्रेडिंग के राइट मिल गए थे, ये बिना टैक्स के पूरे मुगल साम्राज्य के अंदर बिना टैक्स के ये अपना व्यापार कर सकते थे। दस्तक के भी राइट इनको मिल गए थे, दस्तक राइट मतलब पास जनरेट ये कर सकते थे, और साथ ही साथ जो अंग्रेजों ने सिक्के ढाले हुए थे वो सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलेंगे, ऐसा भी कह दिया गया था। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर उसका मिसयूज़ करने लग गए, इनके लिए मानो लॉटरी इनकी लग गई, बहुत ही ज़्यादा इसका मिसयूज़ कर रहे थे। यही सब कारण आगे बन के आएंगे प्लासी का युद्ध बन के, जो प्लासी का युद्ध होगा उनके जो मुख्य कारणों में से ये भी एक कारण होगा प्लासी के युद्ध के कारण। इतना बड़ा फरमान जारी करने का भी एक कारण था, वो आपको बता ही दिया गया था कि फारूक शेर बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा था बहुत दिनों तक, तो हैमिल्टन के कारण ये ठीक हो गया था। हैमिल्टन इसके दरबार में गया हुआ था ना, जॉन सरमन की जो अध्यक्षता में सारे अंग्रेज गए थे फारूक शियर के दरबार में, उसमें हैमिल्टन भी था, हैमिल्टन एक चिकित्सक था, इसकी सलाह से वो ठीक हो जाता है। इस कारण से इमोशन में आके वो बहुत सारे फरमान दे डालता है। तो आप जानते हैं, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, जो पहले के राजा हुआ करते थे जब भी खुश हो जाते थे कुछ ना कुछ दान दे दिया करते थे, तो वही हाल हुआ था। यही घटना जो है आगे चलकर, एक कहावत आपने सुनी होगी कि खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, वही साबित होगा ये। अब देख पा रहे हैं आप धीरे धीरे अंग्रेज जो हैं वो हमारे देश को लूटने की रणनीति बनाते जा रहे हैं, और उसमें वो सक्सेस भी होते जा रहे हैं। अब पता नहीं इनका भारत पर कब्जा करने का पहले से ही मकसद था, या ऐटोमेटिक ये होता चला गया हमारी गलतियों की वजह से। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, आखिरकार दिन आ गया प्लासी के युद्ध का। तो प्लासी का युद्ध सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए 23 जून 1757 में हुआ था। इस युद्ध के अंदर एक तरफ तो बंगाल के नवाब की सेना थी, बंगाल के नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे, और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी, और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इन दोनों में जब युद्ध हुआ, इसमें हार जो है वो सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, बंगाल के नवाब की हार हो जाती है, अंग्रेजी सेना या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना है वो जीत जाती है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, मतलब इस युद्ध में सिराजुद्दौला कभी नहीं हारता अगर उसके साथ विश्वासघात नहीं हुआ होता, क्योंकि सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसमें टोटल 18,000 सैनिक थे, जबकि जो रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी इसमें केवल 300 सैनिक थे। आप सोचिए किस तरीके से हार गया ये। इसका जो सबसे बड़ा कारण था, इसका ही सेनापति, सिराजुद्दौला का सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर, उसने अपने ही राजा को धोखा दिया था। मीर जाफर के धोखे के कारण सिराजुद्दौला हार गया, मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया और उसने आधी से ज़्यादा सेना अंग्रेजों में मिला ली, इस कारण से सिराजुद्दौला हार जाता है। अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो था उस समय जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो बहुत ही चालाक किस्म का आदमी था, वो इतना धूर्त था कि उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी बंगाल को जीतना ही जीतना है। तो इस कारण से
उसने अपना एक गुप्तचर, आप कह सकते हैं एक एजेंट, सिराजदौला की सेना में भेजा। उसने उसको भेजा गुप्तचर को और कहा जाके पता लगा के आओ कि क्या इनकी सेना में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत लालची हो, जिसे सत्ता का लालच हो, जो हमारा साथ दे सके। तो गुप्तचर गया, गुप्तचर गया, उसने सब पता लगाया और फिर वापस इसके पास आया और इससे बोला कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता के लिए, जो नवाब बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपना दीन और ईमान बेच सकता है। अगर उसे सत्ता का लालच दिया जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो वो है मीर जाफर, उसी का एक मुख्य जो सेनापति है वो। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या था, रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर से मिला और उसे अपनी तरफ कर लिया उसने। इस तरीके से सिराजदौला हार जाता है। अब देखिए, बंगाल के नवाब अचानक आपके नज़र में आ गए। आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना कि बंगाल के नवाब कहाँ से आ गए। अब तक तो मुगल साम्राज्य चल रहा था, तो बंगाल के नवाब कहाँ से आ गए, ये इतिहास भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ कि नवाब जो थे, बंगाल के नवाब, उनका जन्म कैसे हुआ, वो पिक्चर में कैसे आ रहे हैं, सिराजदौला तक कैसे कैसे ये पहुंचा। तो ये सारी अगर बातें क्लियर हों तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए पास्ट में चलते हैं थोड़ा सा। अब हमारा टॉपिक है बंगाल के नवाब, ठीक है। बंगाल के नवाबों के बारे में शुरू से लास्ट तक आप पढ़ लीजिए, ठीक है। बंगाल के नवाबों का जो लिंक है वो मुगल साम्राज्य से भी है। ये आप मैप में देख पा रहे हैं कि जो पूरा एरिया है ये अकबर के द्वारा पूरा फैलाया हुआ था, मगर अकबर के बाद जब औरंगजेब का टाइम आता है तो ये औरंगजेब का जो साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य जो है, ये पूरा यहाँ तक फैल जाता है। अब औरंगजेब अकेला इस पूरे साम्राज्य को संभाल तो पाएगा नहीं, तो इस कारण से वो अलग अलग जगह पर सूबेदारों की नियुक्ति करता था, क्योंकि जो औरंगजेब था वो तो दिल्ली पे ही बैठा था ना, दिल्ली में ही था, तो बाकी दिल्ली में बैठ कर सभी शासन थोड़ा चला पाता था। ये जितने भी क्षेत्र हैं उनको संभालने के लिए वो सूबेदार की नियुक्त करता था और दीवानों की नियुक्त करता था अलग अलग जगह पर। जैसे बंगाल में सूबेदार बना दिया, उत्तर दिशा में जो है वो सूबेदार बना दिया, पश्चिम में सूबेदार बना दिया। और जो वो सूबेदार हुआ करते थे वो बिल्कुल लॉयल हुआ करते थे। लॉयल क्या हुआ करते थे, उनको डर रहता था, इसलिए वो कोई धोखाधड़ी नहीं करते थे औरंगजेब के साथ। जैसा मुगल साम्राज्य से ऑर्डर आता था वैसा ही वह कार्य करते थे। मतलब औरंगजेब की सुप्रीमेसी के खिलाफ जो है वो नहीं चल सकते थे। मगर ज्यों ही 1707 में, 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो सारी जो पिक्चर है वो बिल्कुल पलट जाती है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य होता है, वो मुगल जो शासक है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये मुगल शासक सब बनते हैं। तो इनमें से कोई भी मुगल शासक ऐसा नहीं था जो औरंगजेब के बराबर का हो। तो ये सब शासक जो है वो कमजोर थे। ये नया साम्राज्य बढ़ाने को क्या कहें, जो पहले का साम्राज्य था उसी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। तो इसलिए औरंगजेब के द्वारा जो अलग अलग जगह पर नियुक्ति हुई थी सूबेदारों की और दीवानों की, तो उन्होंने अपने साम्राज्य को स्वतंत्र कर लिया। मतलब वो कह रहे थे, उनका ये था कि अब हम मुगल साम्राज्य के अंडर नहीं है, अपने आप को वो स्वतंत्र घोषित कर देते थे, तो अपने आप को वहाँ का नवाब बना लेते थे। वही बात होती है बंगाल के साथ, क्योंकि देख रहे हैं आप मुगल साम्राज्य के में औरंगजेब के बाद जो ये शासक है, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जिनका टाइम 1707 से 12 तक रहेगा, जहादर शाह 1712 से 13 तक, फारूक शियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर टू और बहादुर शाह द्वितीय, इनमें से कुछ और हैं मगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट थे यहाँ पे लिख दिए मैंने। अब आपको समझ में आ गया है कि औरंगजेब ने जो नियुक्तियाँ की थी। तो इसी प्रकार औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में, ये 1700 ईस्वी है, 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। ये मुर्शिद कुली खां जो है ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता था, मतलब ये पहले जो है हिंदू हुआ करता था। मगर आप देख रहे होंगे, आपने इतिहास पढ़ा होगा कि औरंगजेब के समय पर जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको बहुत तेज़ी से मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा था, जबरन मुस्लिम में
कन्वर्ट किया जा रहा था, तो उसी का शिकार हो गए थे मुर्शिद कुली खां। अब मुर्शिद कुली खां जो है वो पसंद आ गए थे औरंगजेब को, इस कारण से उन्हें सूबेदार बना दिया गया। 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, 1707 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुर्शिद कुली खां भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बदल देते हैं। अपनी जो राजधानी है वो ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए मुर्शिद कुली खान नाम से ही पता लग रहा है ये मुर्शिदाबाद भी इन्हीं के नाम पे है, क्योंकि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है ना तो पूरा मुगल साम्राज्य मानो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। तो जैसे बंगाल में अब मुर्शिद कुली खान ने कह दिया कि मैं अब स्वतंत्र हूँ, मैं बंगाल का नवाब हूँ, इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों वाले भी वो हिमाकत करने लगे कि हाँ मैं इस जगह का नवाब हूँ, जो करना है कर लीजिए। तो ऐसा कोई मुगल साम्राज्य में बचा नहीं था जो कुछ कर सकता था, इसलिए पूरा मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, आप समझ गए होंगे। और समय बीतता गया, समय बीतता गया। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। कब? 1727 में, 1727 में मृत्यु हो जाती है किसकी? मुर्शिद कुली खां की। अब उसके बाद उनका कोई पुत्र नहीं था, मुर्शिद कुली खां का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका दामाद जिसका नाम है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, वो अगला नवाब बनता है। मुर्शिद कुली खां के बाद कौन नवाब बनता है? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जो उसका दामाद होता है। अब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने 1732 में एक गलती कर दी थी। वो गलती क्या थी? उसने अली वर्दी खां को बिहार का उपसूबेदार बना दिया। अब अली वर्दी खां को बिहार का उपसूबेदार बनाया था किसने? मुर्शिद कुली खां के दामाद शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने। अब ये गलती हो जाती है, गलती अब आगे देखेंगे क्यों गलती है। चलिए अब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने उपसूबेदार तो बना ही दिया अली वर्दी खां को 1732 में। अब 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज जो है वो नवाब बनता है। 1739 में सरफराज, जो कि शुजाउद्दीन मोहम्मद खान का पुत्र था, वो नवाब बनता है। अब एक ही साल बाद, जो अली वर्दी खान था, जो उप सूबेदार था, वो बगावत कर देता है सरफराज की। वो क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है सरफराज का। इसी विद्रोह के दौरान मृत्यु हो जाती है सरफराज की। उसी विद्रोह के दौरान क्या होता है? सरफराज की मृत्यु हो जाती है। आप देख पा रहे हैं अली वर्दी खान ने जिसका नमक खाया था उसी के पुत्र की हत्या कर दी। तो जो अली वर्दी खान था नवाब रहता है 1740 से 1756 तक, ये बंगाल का नवाब बना रहता है। अब इसके बाद इसका भी कोई पुत्र नहीं था, अली वर्दी खान का भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए ये अपने दामाद सिराजुद्दौला को नवाब बनाता है। अब सिराजुद्दौला तक आप पहुंच चुके हैं। अब प्लासी का युद्ध आपको समझ में आ गया होगा, सिराजुद्दौला के साथ प्लासी का युद्ध हुआ था। अब सारी पिक्चर दिमाग में आपके क्लियर हो गई होगी, बंगाल के नवाब कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे नियुक्त हुए थे, सब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सिराजुद्दौला था ये बंगाल का आखिरी स्वतंत्र नवाब था, क्योंकि इसके बाद जितने भी नवाब आएंगे वो अंग्रेजों की कठपुतली रहेंगे। और ये नवाब कब से कब तक रहा था? 1756 में बना था, 1757 तक रहा था, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर नवाब बन जाता है और मीर जाफर का पुत्र इसकी हत्या कर देता है। अब इसके बाद की कहानी, मतलब कौन नवाब बना, मीर जाफर बना ना, मीर जाफर के बाद कौन बना और नवाब कब तक रहे और अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का क्या किया, ये सब कहानी आप आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसके बाद सभी लेक्चर सील वाइज देखते रहिएगा। स्क्रीन पे 4 लेक्चर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के वो भी अच्छे अच्छे लिंक हैं वीडियो के, देख लीजिएगा। क्रैश कोर्स डिटेल पार्ट सब यहाँ मिलेगा, आप देखते रहिए। सुबह 5 बजे करंट अफेयर जरूर पढ़ा कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।